19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हाले कोसा छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसी कथाओं का क्रम चालू रहेगा, आप सब भाव से श्रवण कर सकते हैं। अभी आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव होले कोसा में फिर से एक बार शिव महाप्राण कथा होने वाला है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। दोस्तों, पिछले बार भी यहाँ हो चुका है एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा, यह दूसरा बार है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जो फिर से यहाँ पर कथा होने वाला है दोस्तों। और अप्रैल में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक यहाँ पर होगा शिव महापुराण कथा, जो काफ़ी शानदार रहेगा दोस्तों। इस बार भी पिछले बार काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला था यहाँ पर राजनांदगांव होले कोसा में शिव महापुराण कथा में। और दोस्तों, यहाँ का जो कथा का समय रहेगा 1 बजे से शाम 4 बजे तक कथा होगा। और दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा रहेगा, भोजन भंडारे और रुकने की भरपूर व्यवस्था रहेगा यहाँ पर होले कोसा राजनांदगांव में 19 से 25 अप्रैल तक होगा शिव महाप्राण कथा। और दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको आने के लिए दोस्तों, आप राजनांदगांव तक ट्रेन से आ सकते हो, उसके बाद आपको जो होले कोसा जाने के लिए आपको खुद का पर्सनल गाड़ी से जाना पड़ेगा। यहाँ पर किराए में आपको ऑटो और बस भी मिल जाएगा जिससे आप जा सकते हो। दोस्तों, राजनांदगांव और होले कोसा की जो दूरी है 50 किलोमीटर है दोस्तों, तो अंदर गांव में पड़ता है होले कोसा। तो आपको होले कोसा जाने के लिए आपको सीधा बस या रेलवे स्टेशन से आपको पर्सनल गाड़ी या फिर यहां पर बहुत सारे अलग अलग यात्री गाड़ी मिल जाता है, बस ऑटो, आप कुछ भी में आप वहां तक कथा स्थल तक पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप जाना चाहते हो तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि ट्रेन से वहाँ पर डायरेक्ट सुविधा नहीं है, आपको राजनांदगांव तक ट्रेन से आना होगा और फिर डायरेक्ट फिर कथा स्थल तक आपको कोई भी यात्री गाड़ी में जाकर आप कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, अगर रायपुर से आप आना चाहते हो तो इसकी रायपुर से जो दूरी है कथा स्थल तक होले कोसा की, वो है 120 किलोमीटर। और अगर बेमेतरा से आना चाहते हो तो बेमेतरा से इसकी दूरी है 150 किलोमीटर। अगर आप भिलाई से आ रहे हो तो आपका भिलाई से जो दूरी है 90 किलोमीटर। और अगर दूर के हो, अगर दूर से आ रहे हो तो दुर्ग से होले कोसा की दूरी है 80 किलोमीटर। दोस्तों, यह अलग अलग जगह से अलग अलग दूरी है, तो आप अगर ज़्यादा ट्रेन से आते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और ख़ुद के साधन से आते हो तो और अच्छी बात है, यहाँ पर आने जाने में आपको कोई परेशानियाँ नहीं होगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो कथा का समय होगा 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा यहाँ पर। दोस्तों, अप्रैल में ही आपको दो जगह कथा होगा। पहला जो कथा है वो है आपका चकरभाटा बिलासपुर में है, जो 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगा। उसके बाद दोस्तों, यहीं आपका राजनांदगांव में 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कथा होगा। काफ़ी भव्य यहाँ पर अनोखा नज़ारा रहेगा दोस्तों, क्योंकि हर जगह काफ़ी सुंदर माहौल देखने को मिलता है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में शिव भक्तों की पूरा भरमार है, यहाँ पर काफ़ी लाखों भक्त हैं जो शिव भक्त हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जो प्रदीप मिश्रा जी के कथा में काफ़ी क्रेज देखने को मिलता है। और सभी जगह कहीं भी हो पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए और कथा श्रवण के लिए। तो तैयार रहिए दोस्तों, 19 से 25 अप्रैल तक राजनांदगांव होले कोसा में होगा छत्तीसगढ़ में शिव महाप्राण कथा प्रदीप मिश्रा जी का। अगर आपको दोस्तों और कोई भी परेशानियाँ और कोई भी दिक्कत रहेगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, आपको मैं इसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, आगे का जानकारी और देते रहूँगा आगे के वीडियो में, और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेटिंग कर ले ताकि हमारा सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं गुरु जी के आगमन पर, तब तक के लिए जय हिंद, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।